to Dance India Dance Season 4. आज हम तीनों मिलकर आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। आज इस मंच पर एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिनसे जितना प्यार आपको है उतना हम तीनों को भी है। Yes. So ladies and gentlemen, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डीआईडी परिवार की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर स्टुपेंडो फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल मास्टर गीता का। माँ एक बात बताइए, आपको कैसा लग रहा है हमारे इस साल के डीआईडी सीजन 4 के कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस? आई एम ग्लैड कि ये सीजन मैं जज नहीं कर रही हूँ, आपके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि कंटेस्टेंट्स आर ऑन सम अदर लेवल ओनली ऑल टुगेदर। एक बेंचमार्क हमने सेट किया था और उसको आप लोग पार कर गए हैं, सो आई थिंक इट्स योर हार्ड वर्क, योर मास्टर्स हार्ड वर्क, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक ऑन डीआईडी। ऑलवेज ये फैमिली है, यहाँ से हम गए नहीं थे तो आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं एक बात पूछूं। पूछो। ये शो को नॉर्मली एंकर एक बदमाश करता है, वो है कहाँ? अरे एक बार नाम पुकारो, अभी हाजिर हो जाएंगे। जय माय डार्लिंग, कहाँ हो? आए हाय, बस इसी बात का इंतजार था कि मेरी गीतू मेरा नाम पुकारे। दिस इज फॉर यू मास्टर गीता, जोरदार ताल हो जाए। ये भी तुम्हारे, ये भी। वो तो बहुत खूबसूरत सी एक लड़की है, इशिता है आपका नाम। हाँ जी, आई थिंक यू डूइंग अ फैब जॉब। आप जय को फुल टक्कर दे रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही सवाल मैं आपसे एपिसोड के एंड में भी पूछूंगा। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड टू सी यू बैक हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मैं आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सीट पर पधारे और हम आगे बढ़ाएं इस शो को। प्लीज डेफिनेटली कम ऑन गाइस, सो दैट ताला हो जाए। सो वेलकम टू मारुति सुजुकी डांस इंडिया डांस सीजन 4 पावर्ड बाय quicker.com। Well, Master Geeta, आपके आने से मैं देख रहा हूँ कि हमारे masters कितने excited हैं। हम तो हैं ही। जय, आप chance पे dance कर ही लो क्योंकि आज दादा है नहीं। हाँ वही तो कह रहे हैं, वो गए परदेश। I'm missing him. Yeah, I'm missing him. All are missing. लेकिन आज यहाँ गीता माँ के साथ साथ हमारे dancing stars का हौसला बढ़ाने कोई और भी आया है। कौन आया? ये वो है जो आज हाईवे से होके हमारे डांसिंग स्टार्स को सपोर्ट करने यहाँ आ पहुंची हैं। हाँ, समझ गया मैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी ब्यूटीफुल आलिया तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप डांस के सबसे बड़े मंच पर आईं। आपकी जो नई फिल्म है उसके प्रोमोज हम काफी देख रहे हैं हाईवे के बारे में, तो पहले आप कुछ बताएंगे उस फिल्म के बारे में हमें? पहले तो मैं ये बता दूं कि फर्स्टली ये डांस इंडिया डांस है, तो हाईवे के दौरान हमने इंडिया बहुत घूमा है, बहुत शूटिंग की है। वी शॉट इन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और फिर जाके कश्मीर, तो इट्स अ फुल रोड ट्रिप। Thank you so much, Alia, for coming. I would request you to please take your seat and Thank enjoy you. The show. Thank you. So, Rab Dala Oja. चलिए तो बढ़ते हैं आज की पहली सोलो परफॉर्मेंस की तरफ। हमारी ये डांसिंग स्टार अब इस कंपटीशन की अकेली फीमेल डांसिंग स्टार है। फिनाले है सिर्फ दो हफ्ते दूर, 22 फरवरी। तो लेकर 22 फरवरी की तरफ गर्ल पावर से भरा अपना अगला कदम। पेश है मुद्दासर की मंडली से मुंबई की डांसिंग मैनियक स्वर राले। रूह का पंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घरों
ਵੱਜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਕਾਰ ਘਰੋਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਜਨੈਣਾ ਕਰੂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰੂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੜ ਪਾਏ ਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗੀਤ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਤਾਰਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰੂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੜ ਪਾਏ ਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗੀਤ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇ ਮਲੰਗ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ Now that was a super rocking performance of Natalia Ajay, Swarnali Gle. What a performance, Swarnali. What a performance. मैं जानता हूँ कि आप मास्टर से जाना चाहेंगे कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर श्रुति से. Swarnali, आपको डांस इंडिया डांस सीजन 4 में डांसिंग मेनियक बुलाते हैं. आई थिंक This performance completely justified that title that has been given to you. मैं आपके last दो हफ्ते के performances में कह रही हूँ Swarnali work on your dismounts, Swarnali work on your dismounts, and what a performance you have worked on your dismounts on the silk. आपके जितने भी dismounts थे उससे floor work के लिए और floor work से वापस silk पे that was brilliant, perfection to the T. Thank you so much. आपने एक वहाँ पे जाके फ्लोर स्टार्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस में आपने एक हेड पे एक स्टॉप लिया जनैना करू बंद बंद दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्टॉप ऐसे दिल से एक आह ऐसा निकला एंड द डांसिंग मेनियक ऑफ डांस इंडिया डांस सीजन 4 इज बैक पीपल एंड फॉर मी दिस परफॉर्मेंस इज अ चुंबारी जिरी जिरी जान Swarnali, जो आपने आज किया है, I think this is the best aerial of DID season 4 till now. Seriously. Thank you, sir. Aerial silk on silk, you know. And Swarnali, what I like about the performances कि आपका शुरुआत और आपकी जो ending थी perfect, you know. The beginning में आपने वही किया जो आपने ending में किया. आपने एक छोटा सा twirl लेके नीचे आई थी. रूह का पंजारा रे परिंदा एंडिंग भी आपने उसको डबल द स्पीड करके आप नीचे आए आई थिंक आई लव दोज एरियाज सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट वांट टू से टू यू दिस इट वाज अ फेरोशियस परफॉर्मेंस मास्टर गीता अब आप बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा Swarnali मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई यू नो गीता की गैंग का कोई बंदा नाच रहा है और माय हार्ट वाज लाइक दिस दोनों बार जब आपने ड्रॉप किया तो आई थॉट के आई वाज जस्ट विथ माय फिंगर्स क्रॉस्ड तो मेरे पास ना आपके लिए चिक चिक बूम फायर नहीं है क्या है वो जुम्बारी चिरी चिरी जांग झा टैक नहीं है और फिरोशियस परफॉर्मेंस नहीं है बट आई कैन से दैट यू
as you've always been, you're just stupendous, fantabulously fantastic. Thank you so much, Master Geeta. Master Mudassar. परफॉर्मेंस के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छा सब कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, इतनी तारीफ की है. बस यही कहूँगा कि 3 कदम और आप दूर हैं, तो प्लीज़ मेहनत करें और अपने आप को इसी तरह बनाए रखें जितना अच्छा आपने अभी परफॉर्म किया है. इससे अच्छा और करते जाएँ और बस सबके दिलों में छाते जाएँ. लास्ट वाला जो आपने अपने आप को पूरा का पूरा एंटेंगल करके आप नीचे आई, विच वॉज द मोस्ट डेंजरस एंड रिस्की वन, जिसके लिए हम सब डरे हुए थे, उसके लिए चिक चिक बूम फायर. आलिया, मैं देख रहा था कि जैसे परफॉर्मेंस खत्म हुआ आप काफी डरी डरी सी थी, यू नो, एक शॉक रिएक्शन था. आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? एक्चुअली मैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस पूरी डरी हुई थी. यू कैन आस्क देम. मैं तो ऐसे करी थी क्योंकि मैंने सब ऐसे बस टीवी पे देखा है. आई हैव नेवर सीन लाइव. और वो भी यू नो, हम लोग जब शोज करते तो हार्नेस वानेस होता है, तो इस देयर वाज नो हार्नेस थे, तो मैं बहुत डरी हुई थी. बट स्वराली, आई जस्ट मस्ट टेल यू कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी इसके पहले, और यू नो मुझे ऐसा लगता था आप शेरनी जैसी है. यू नो, यू आर वेरी प्राउड एंड योर बॉडी पॉस्चर सो ब्यूटिफुल. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप ये आप ही, you're the only girl in the top 5. Yes. So, thank you so much. Thank you. All the best. Thank you so much, Alia. And Swarali, अब वक्त है एक वोट अपील का ताकि जनता आपको ढेर सारे वोट कर सके. So please. जनता, अगर आपको मेरे परफॉर्मेंसेस पसंद आ रहे तो प्लीज मुझे वोट कीजिए. मुझे वोट करने के लिए आप डायल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 1800-833-6006 पर. 06 मेरा कोड है. बाकी की इन्फॉर्मेशन आपकी टीवी स्क्रीन पे है. थैंक यू सो मच. All right then, so that's all of us. Swarali, please take a seat. Thank you. Thank you so much. All right then, चलते हैं आगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आलिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि आपकी फिल्म में मैंने देखा है कि शायद आपका किडनैप होता है, राइट? शायद. तो हमने यही सवाल हमारे इन डांसिंग स्टार से पूछा कि अगर आपने आलिया को किडनैप किया तो आप उनको कहां लेकर जाएंगे. तो आप देखना चाहेंगे कि उनके जवाब क्या क्या थे? हमें थोड़ी डरी हुई हूँ, बट ठीक है, देखूंगी. नहीं नहीं नहीं, सब एकदम यू नो संस्कारी हैं यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए. तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो ये कॉम्पिटिशन में लड़कियां तो बची नहीं है, एक बेचारी लड़की बची, उसके साथ तो सबकी मारामारी होती रहती है. सो फाइनली जब एक हॉट सी बंदी स्क्रीन पे आ रही है, आलिया भट्ट, सब कंटेस्टेंट्स पागल हो चुके हैं. सबकी अलग अलग प्लानिंग चल रही है कि कैसे जाके उसको किडनैप करें और कैसे जाके उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें. किडनैप करके मैं तो शादी करने वाला हूँ डायरेक्टली. जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार आलिया भट्ट आ रही है और आप सबको पता है कि वो किसके लिए आ रही है. आलिया भट्ट को किडनैप करके मैं क्या करूँगा? तो मतलब मैं कुछ ऐसा नेक दिल इंसान हूँ, ऐसा कुछ करूँगा नहीं. मैं दुनिया के 7 वंडर्स जो है, 7 वंडर्स के सामने कुछ होटल्स तो होंगे, वहाँ पे मैं उनको डेट पे लेके जाऊँगा. जैसे ही वो सामने आते दिल करता हूँ कि चिक्स पुल करता रहूँ, मतलब छोड़ो ही ना, बहुत अच्छी लगती है वो, मेरी फेवरेट. मम्मी को पसंद आनी चाहिए बस मेरे को इतना है, और मम्मी को भी है कि मेरे को पसंद आनी चाहिए. मैं तो आपको लेके जाने वाला हूँ, देख लो. क्या बात है! मुझे विकी का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा. विकी ने जिस तरह से अभी आखिरी में कहा था कि मैं तो उसको लेकर ही जाऊंगा, एक बार भी बेचारा अपने लेफ्ट में आलिया को देख नहीं पा रहे, इतना शर्मा रहा बेचारा. और सबसे बेस्ट तो मुझे श्याम लगा, मतलब कंफर्म कर दिया, यू नो एकदम रजिस्टर्ड ISI मार्क, भाई ये मैं तो इसके साथ जाने वाला हूँ, इसको किडनैप करने ही वाला हूँ, मेरे पास ही आने वाली है. भाई क्या कॉन्फिडेंस था! सब सर से सीखा मैंने. सब सर से सीखा. लेकिन आपने कहा था कि मैं अपनी माँ के पास लेके जाऊंगा और माँ की पसंद सबकी पसंद है, तो माँ भी यहाँ पर ये किधर. हाँ मम्मी जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास. आप जरा बताइए ना, आपको बहू कैसी लगी? अगर समझो बात आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छी लगी. अरे क्यों ना हो, आखिर भट्ट साहब की बेटी जो है कि नहीं.
लेकिन आप कुछ पूछना चाहेंगे कि खाना बनाने आता है, रोटी पकाने आता है, झाड़ू पोछा कुछ कर, पर पूछ आता ही होगा ना? हाँ आता ही होगा ना बनाने। घर पे आने के बाद आपसे करवा दे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं आता रहेगा तो मैं सिखा दूंगी ना, सीख जाएगी। खुद नहीं करेंगे कभी है? शाम की मम्मी ने प्लानिंग करके रखी है कि जैसे बहू आएगी मैं आराम से बैठूंगी, बाकी बहू से खूब काम करवाऊंगी। क्या बात है आलिया। एनीवे आप हमें ये बताइए कि तीनों में से सबसे अच्छा आंसर आपको किसका लगा? एक्चुअली मैं बहुत लॉयल किस्म की लड़की हूँ, आपने अभी शादी तय की है तो श्याम। अब एक परफॉर्मेंस हो जाए आलिया और श्याम का, पता तो चले कि केमिस्ट्री कैसी है। एक हो जाए, क्या कहते हो आलिया? दिल नहीं तोड़ना उनका। क्या बात है। ओहो हाउ स्वीट। अभी तो शादी नहीं हुई और उनके पैरों पे गिर गया बेचारा। शादी के बाद क्या होगा? थोड़ा सेवा कर रहे, करने दो। आए हाय। एक्चुअली आई एम नॉट एज गुड डांसर एज यू, तो आपको मुझे गाइड करना होगा, ठीक है? तो वो गाइड बन जाएगा, बावर्ची बन जाएगा, सब बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। Thank you so much, Alia. Thank you so much, Shyam. Lovely performance. Zoda, Talia, Ojai. Please take a seat. Well, क्योंकि आज हमारे ग्रैंडमास्टर यहाँ नहीं हैं, तो आज के सभी परफॉर्मेंसेज हो जाने के बाद जिसका परफॉर्मेंस मुझे नहीं गीता माँ को लगेगा सबसे ज्यादा पैशनेट, उसे मिलेगा मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब, और मारुति सुजुकी की तरफ से एक शानदार गिफ्ट। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। तो लेकर अपना सोलो परफॉर्मेंस और बढ़ाने फिनाले की तरफ अपना अगला कदम, पेश है मुदस्सर की मंडली से बॉलीवुड डांसिंग के किंग श्याम यादव के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम चारों की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और फाड़ के रख देना बंटा, छोड़ना नहीं, एकदम चीर डालना। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। अब रोज रोज का नाटक बस हो गया। मैं सहन हो रहा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? चुप हो जाओ, बस। दैट्स इट, इट्स ओवर। कैसी ये जुदाई है, आंख भर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा। ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, मेरा दिल टूट रहा, इसे बस अब टूटने दो। इसे आज छूटने दो। ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, जाने अनजाने क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ।
प्लीज मुझसे एक बार मिल लो, मुझे एक और मौका दे दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम आलिया से पूछते हैं। आलिया जी, आई एम श्योर शाम वांट्स टू हियर द जजेस स्पीक फर्स्ट, पर मैं कह देती हूँ कि आई एम श्योर कि मैंने सही चॉइस किया है शाम को पसंद करके, क्योंकि वो बहुत रोमांटिक सा और बहुत गहरा प्यार वाला लग रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइस, बट शाम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। श्याम, आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस में सोल था जिसकी ज़रूरत थी, और अभी तक आई थिंक आई कैन सी दैट ऑन योर फेस, यू नो, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स आपने यूज़ किए, आई रियली लाइक दोज एलिमेंट्स, स्पेशली वो हार्ट ब्रेकिंग वाला। आई लव द एक्ट, स्पेशली मुझे लगा कि आपका जो सिल्वेट परफॉर्मेंस था बिहाइंड द स्क्रीन, दैट आई रियली लव्ड इट, एंड द एंड वॉज रियली नाइस, इट वॉज अ डेड ड्रॉप, वेरी क्लीन, वेरी नाइस। आई थिंक खाली एक बात कहूँगी, जस्ट लिटिल कंट्रोल ऑन योर लिरिकल, स्लाइटली कंट्रोल ऑफ द बॉडी, अदरवाइज आई लव्ड योर परफॉर्मेंस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। आपका जो एक फीलिंग था पूरे एक्ट में, you had to show aggression, you had to show frustration, you had to show that helplessness, na? आपको दिखाना था वो एक्ट में, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि एनर्जी कैसे आप कंट्रोल करके ताकि आपका मूवमेंट बहुत क्लीन निकल के आए। तो आई थिंक जस्ट द फर्स्ट शाम आई एंजॉयड द एक्ट, बट आई वॉन्ट यू टू डू बेटर देन दिस, एंड यू आई नो यू विल डू बेटर। ओके शाम, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। वासुकीता, एक्चुअली ये बहुत माहिर लोग हैं, ये आपको रोज देखते हैं, ये समझते हैं आप क्या करते आए हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, तो उनका बोलना तो बनता ही है कि व्हाट आर योर पॉइंट्स दैट यू कैन इम्प्रूव ऑन। लेकिन मैं आपको लाइव परफॉर्म करते हुए पहली बार देख रही हूँ, एंड मुझे पसंद आया थॉट बिहाइंड द एक्ट, सो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली अ वेरी वेरी नाइस एक्ट। एग्जीक्यूशन में जितना मैंने देखा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सो गॉड ब्लेस यू, और दादा होते तो आई एम श्योर कहते कि क्या बात, क्या बात, क्या बात, सो ब्यूटिफुली डन, गॉड ब्लेस। थैंक यू मास्टर गीता। मास्टर मदसर, आप बताइए आपको कैसा लगा शाम का परफॉर्मेंस? डीआईडी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो वर्सेटाइल हो, क्या बात। तो ये एक चीज बची थी मास्टर गीता के, यही एक फॉर्म इसने नहीं किया था, तो इसलिए ऑल द बेस्ट, और जो भी मास्टर्स ने कहा है आप उसको और ध्यान दें, और आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। लेते हो आप अपने अंदर सबको ऐसे अपनी आंखों में ले लेते हो कि नहीं यार इसको देखना है। ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। एक छोटा रिक्वेस्ट करूँ क्या? हाँ, यू नो यू डिड दिस सो वेल, कैन आई प्लीज कम देयर एंड डू समथिंग विद यू? यस मैम। क्या बात है श्याम, जो नहीं चाहते थे वही हो गया, गाल खींच लिया। आप उसकी नाक टच करके भी देख सकते हैं, एक बहुत अजीब सी चीज होती है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं होता है तो कुछ करने दो। आप मेरी बात नहीं मानोगे? मानूंगा। हाँ तो फिर रुको, स्टैचू स्टैचू। सॉरी, तो मेरे को भी कुछ करना है। सब लोग बोलते कि मैम के भी गाल बहुत चबी, और सच में मेरे को भी एक बार। सबको एक बार। अरे लंगर पटरी के यहाँ पर जो आ गए सब लोग।
मास्टर गीता, तो अभी सबकी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, गाल हो जाए ये दो. आप भी जरा अपनी जगह पे चले जाइए ना, तो और यार दादा ना होने के कितने फायदे होते हैं यहाँ पर यार. मैं आपका एक लिस्ट बना रही हूँ, डोंट वरी. क्या? आपकी एक लिस्ट बना रही हूँ बदमाशियों की मैं. ये भी छोड़ो यार. श्याम चलो अब बारी है एक वोट अपील की, तो जल्दी से जल्दी जनता से मांगिए वोट प्लीज. जनता इसी तरह अपना प्यार मुझे आप अपने वोट्स के जरिए देते रहिए. प्लीज 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 मुझे आपके वोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. मुझे वोट करने के लिए डायल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800-833-6008 पर. इसमें 08 मेरा कोड है और प्लीज 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 मुझे वोट कीजिए. थैंक यू सो मच जनता. माइंड ब्लोइंग. प्लीज आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं. जोरदार ताला हो जाए शाम के लिए. ओहो, बात यहाँ तक पहुँच गई है. टेडी बेयर, काश हम वो टेडी बेयर होते. रख लीजिए वो शाम का गिफ्ट है. हाँ ये देखो आलिया. माय गॉड, कैन आई से समथिंग छोटा सा? हाँ प्लीज. आपकी फिल्म में मैंने ऐसा सुना है कि आपने एक गाना गाया है खुद. हाँ जी थोड़ा सा. थोड़ा सा गा सकते हैं आप हमारे लिए? क्या बात. अच्छा तो एक्चुअली शाम का है. हाँ आपने बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया और बहुत ही इमोशन था उसमें, तो मैं आपके लिए गाऊंगी. हाँ तो एक काम कीजिए शाम, जरा फर्स्ट बर्थ में आ जा. तो अभी हम दोस्त बन गए तो मैं कहूंगी एक बात. जो भी है रूखा सूखा मन में वो बोलो तो. क्या बोलूं? खोलो राहे बातों की बाहे हो. What a surprise. क्या से ज्यादा का सरप्राइज यार. मम्मी जी गाती भी है. ये तो लगने लग गई. अच्छा है ना, गाती भी है, एक्टिंग करती है, गाती है, फेमस है, और क्या चाहिए. हाँ यही सब चाहिए. मतलब घर में टीवी की जरूरत ही नहीं है, एंटरटेनमेंट तो घर पे ही आ जाएगा फिर तो. मैं कह रहा था कि आपकी आवाज बहुत बहुत प्यारी है, तो गुस्ताखी माफ के मैं उसके जवाब में अगर एक गुस्ताखी हम माफ नहीं करना चाहते. आपने हमसे पूछा, हमने ना बोल दिया. आप नहीं गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे. नहीं नहीं मुझे सुनना है. अरे यार ऑल योर्स. मास्टर मुदस्सर हो जाए, पेश किया जाए एक नमूना. ए भाई आज शाम को थैंक यू बोलना पड़ेगा. श्याम ने ना रुई का भी इंतजाम कर लिया. रेडी सर. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. थैंक यू. गाना खत्म हो गया? हाँ हाँ खत्म हो गया. अच्छा तो निकाल दो. So, आलिया, what do you think? कैसा लगा आपको इनका गाना? बहुत ही बढ़िया था. And the choice of the song was the best. Thank you. मेरा favorite गाना actually. Wow. And the Zee Cine Awards goes to Alia Bhatt for best actress. सच्चे सिंगर की कदर नहीं है तुम लोगों. क्या सच्चे सिंगर की कदर नहीं है तुम लोग. और दो तीन गाने गा लिए तो हम कब्र में होंगे, कदर नहीं होंगे. चलो फिर आगे बढ़ते हैं.
चलो एक बात बता दूं कि ये सीजन बस कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, फिर इशिता तुम क्या करोगी ये बता मुझे। कुछ जॉब वॉब का इंतजाम करके रखेगी नहीं आगे के लिए? अरे मैंने ऑलरेडी नौकरी ढूंढ ली है। नौकरी ढूंढ भी ली? मतलब इतने टफ कॉम्पिटिशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यार तुम्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी? अरे बहुत सिंपल था। हाँ, quicker.com पे लॉग इन किया, रेज्यूमे अपलोड किया, फिर एम्प्लॉयज के कॉल आने लगे, बस जल्दी से मिल गई नौकरी। क्या तुम एक बात बताओ, क्विकर में क्या एंकर विद 100 फंबल्स ये सब करते? नहीं मुझे बताओ प्रोफाइल क्या होगा आपका? पेश है वो डांसिंग स्टार जो अपनी फौज के अकेले सिपाही बचे हैं और आज रखने इस मुकाबले में मास्टर फिरोज की उम्मीदों को बरकरार और बढ़ाने सुनहरी तकदीर की टोपी की तरफ अपना अगला कदम, आ रहे हैं अपना सोलो परफॉर्मेंस लेकर फिरोज की फौज से कोलकाता के क्रॉन पर बिकी दास। एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे, तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूं मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। Fantastic, Vicky. बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था आपका। थैंक यू। ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसे लगा। शुरू करेंगे मास्टर बदास सर से। अमेजिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। और बहुत सारे मूव्स किए आपने फ्लोर पे, मुझे वो अच्छे लगे। मुझे वो आपके प्रॉपर्टी के साथ भी अच्छे लगे, बट ज़्यादा मुझे आपके फ्लोर पे अच्छे लगे। सुपर फैक्ट, आई लाइक इट। थोड़ा सा बैलेंस का बस ज़रूरत है, मुझे लगता है थोड़ा और बैलेंस पे ध्यान दो तो अच्छा हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच। बिकी दास, दादा नहीं है आज, मिस कर रहे हम सब, तो उनकी एक लाइन मैं चुराना चाहूँगी कि हर एक नई कोशिश काबिले तारीफ, और ये आपकी कोशिश, आई रियली लाइक्ड इट बिकी। थैंक यू। मुझे एक्चुअली आपका एरियल बेटर लगा आपके फ्लोर वर्क से, क्योंकि फ्लोर वर्क आई थॉट वॉज अ लिटिल डिस्कनेक्टेड, बट हम उस पर काम करेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो लीप ऑफ फेथ ली प्रॉप के बीचों बीच, चलता हूँ मैं तेरे संग में,
आपने पहले प्रॉप को एक मोमेंटम दिया, नाउ द प्रॉप हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, तो उसके साथ आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया. फॉर मी दैट वाज अ वाओ मोमेंट. तो आपके परफॉर्मेंस में देयर वाज अ ग्रोथ व्हिच आई रियली लाइक्ड, एंड ऑल द बेस्ट राजा, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मैम. एंड कीप डूइंग न्यू थिंग्स, डोंट वरी, कीप डूइंग न्यू थिंग्स. ओके वासुगीता, टेक्निकली तो आपके मास्टर्स आपको बता ही देते हैं कि क्या है. मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये है कि आपको इस मंच पर ऐसे खड़े देखकर, और मास्टर फिरोज के लिए आप वो अकेले फौजी हो इस वक्त, ये देखकर मुझे मेरा पहला सीजन याद आया. बिकॉज इन माई फर्स्ट सीजन आई ओनली हैड वन कंटेस्टेंट फॉर द फिनाले फिरोज, एंड इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज़ अबाउट आप गेम कैसे खेलते हो, आप स्पोर्ट्समैनशिप, आपकी स्पिरिट आप कैसे दिखाते हो, दैट इज़ वॉट मैटर्स. सो गॉड ब्लेस यू फॉर दैट. मेरी हर विश आपके साथ है टू विन दिस कॉम्पिटिशन. गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. लव यू बेटा. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच मास्टर गीता. लेकिन मास्टर फिरोज, आपसे जानने से पहले हम आलिया से जानना चाहेंगे कि उन्हें आपका, बिकी का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा. सो आलिया, पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे आपका नाम बड़ा क्यूट लगता है, बिकी. थैंक यू. इट्स वेरी स्वीट. आई थिंक यू आर फैबुलस एंड यू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ करिश्मा जो मुझे यहाँ तक आ रहा है. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच आलिया. मास्टर फिरोज, I just want to say one thing that har koshish aapne ki hai mere liye, and I'm very proud of you, Vicky, and always will be. Haan, jo aapke moves hum, jaisa masters ne kaha ki hum us pe work karenge, definitely I want to work more on you, because abhi hamare paas sirf 2 hafte bach gaye hain iske baad mein. To inshallah koshish ye rahegi ki aapko behtareen se behtareen you know hum tarbiyat dein dancing mein, taaki aap finale ki jo finale pe pahunche to ek ek naya Vicky logo ko dekhne mile. So I wish you all the very best and God bless you. See you. Thank you sir. बिक्की बिल्कुल जय की तरह हैं. आप जय को कुछ भी दे दो वो कभी ना नहीं बोलते. आप उनको कोई भी प्रॉप पे चढ़ा दो वो कभी ना नहीं बोलते. और दादा होते हैं तो उनके सामने ना तो कभी बोलते नहीं हैं. आज दादा भी नहीं है तो झूला तो बनता है, थोड़ा तो बनता ही है. वो जय गुजर गया. तो क्या बात कर रहे हो, मेरे लिए मेरे लिए मेरे दिल में जय हमेशा रहेंगे. नहीं भाई, अगर अगर इस प्रॉपर्टी पे रहा तो मैं यादों में रहूंगा. ना ना बिल्कुल नहीं जय, यू हैव डन वर्स थिंग्स देन दिस. दिस इज इजी मेरे लिए और मेरे दादा के लिए. एक बार तो बनता है. कैसा लगा आपको? I love you very much. God bless you. You're lovely. You're fantastic. God bless. Love you. Thank you so much. And एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा that I really missed you in this show. And बहुत अच्छा लगा है कि आप वापस यहाँ पर आए हैं. और little masters में भी यही है. साथ में और कौन था? Actually show से पहले हमारे जो मास्टर फिरोज हैं, मेरे ऐसे ही जहन में आया था कि आप तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं शो में ही कुछ बताना चाहूँगा. सो मास्टर फिरोज, मैं माँ को तकरीबन 19 साल से जानता हूँ. यस. एंड शी इज़ माई लाइफ.
And you're She's... my life too. Thank you, Ma. Seriously. मैंने कभी शो पे नहीं कहा इस बारे में बट आज आप हैं मेरे सामने तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा माँ आपने मेरा तब साथ दिया जब मुझे बहुत ज़रूरत थी मेरे वालिद यहाँ पे नहीं थे वो सऊदी में थे एंड माय अम्मी वाज फेसिंग इलनेस ऑफ कैंसर एंड आपने मेरा हाथ थामा बारा माँ यू शाहरुख सर You stood like a man next to me, my father. You were my father when my ami was facing all this. And uske baad mein, I was like a lost child after I lost my ami. And you're the one who supported me and Farah Ma, ke nahin, get back to work, get back to your family. And life is still longer, so you have to see more. Thank you so much, Ma, and I really love you. I think I'll never able to forget you, Ma. Seriously, 19 saal se main aapko jaanta hoon. You dare not forget me, I will kill you. Kabhi nahi ho sakta. You're the most beautiful woman, a person, a human being on this planet. Trust me, and I love you, Ma. Seriously. Love. Thank you so much, Master Feroz. Thank you so much, Master Geeta. And अब एक रिक्वेस्ट है आपसे जल्दी से जल्दी एक वोट अपील हो जाए ताकि जनता आपको ढेर सारे वोट करे हेलो जनता अगर मेरा डांस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मुझे वोट कीजिए मुझे वोट करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर डायल कीजिए 1800833605 इसमें से 05 मेरा कोड है और प्लीज 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 मुझे वोट कीजिए अगर आप लोग वोट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा तो प्लीज मुझे वोट कीजिए थैंक यू सुपर जोरदार ताला हो जाए विकी के लिए हमारे डांसिंग स्टार को वोट करते रहिए और उनके साथ साथ वोट करिए अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स को क्योंकि वापस आ गए हैं जी सिने अवार्ड्स वर्ल्ड के सबसे बड़े व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स तो अपने फेवरेट स्टार फेवरेट फिल्म और फेवरेट सॉन्ग को जिताने के लिए आपको देनी है सिर्फ एक मिस कॉल 1800103 7788 पे और हम करेंगे आपको कॉल बैक और रजिस्टर करेंगे आपका वोट डांस के सबसे बड़े मंच पर डांस की ये धमाचौकड़ी जारी रहेगी बहुत जल्द आ रहे हैं डांस के बाप यानी हमारे लिटिल मास्टर्स तो बच्चा पार्टी आप लोग भी हो जाइए तैयार तो बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ लेकिन आगे बढ़ने से पहले मनन मुझे ब्रेक में काफी कुछ कह रहा था कि यार मुझे भी कुछ कहना है तो मनन बोल दो अभी आलिया मैम आपने शाम के साथ तो डांस कर लिया बाकी के जो लड़के बचे हमारे साथ भी डांस कर लो प्लीज अच्छा ठीक है so cute ऑलराइट देन ज़ोरदार ताली हो जाए आलिया के लिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली परफॉर्मेंस की तरफ कंपटीशन का ये अहम दौर सिर्फ 5 डांसिंग स्टार्स और एक सुनहरी तकदीर की टोपी तो उस एक सुनहरी तकदीर की टोपी को पाने की तरफ लेकर अपना अगला कदम पेश है श्रुति के शानदार से करनाल के कूल डूड मानन सचदेवा हर किसी को उनके बचपन में कोई चीज प्यारी लगती उस चीज का नशा मुझे भी ऐसे ही कुछ चीजों का नशा था ये
आशा रहना हुआ नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता मनन, वेरी रोमांटिक यार, क्या बात है। चलिए फिर मास्टर से जानते हैं कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। थैंक यू जे एंड मनन एज हमेशा की तरह बहुत ही कूल, आपको जो स्टाइल है स्वैग और आपने यू नो एकदम फ्री स्टाइल में उसको लिरिकल वे में परफॉर्म किया। बचपन की सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते थे, वो भौरे के साथ में खेलना, वो पेपर के एयरप्लेन्स बना के उड़ाना और यू नो वो डिस्क के साथ खेलना, फ्लाइंग डिस्क के साथ में, आई थिंक एवरी थिंग वॉज स्वीट एंड नाइस। यू नो योर फुट वर्क व्हेन यू वेंट डाउन और आपने अपने टो को पकड़ के एक स्विच किया, आई थिंक दैट वॉज रियली कूल। वेरी सिंप्लीफाइड, हर एक डोर में रूम्स में जाके आपने अलग अलग अपने आप को यू नो प्रेजेंट किया। आई थिंक इट वाज नाइस एंड स्वीट, वेरी क्लीन एक्ट एंड गॉड ब्लेस, ऑल द वे बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर फिरोज। मास्टर मुदस्सर, व्हाट आई लव द मोस्ट वाज योर एक्सप्रेशन। बॉडी मूवमेंट चालू है आपका, खटा खट 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 खट, बट आपका जो फेस का जो जा रहा है ना एकदम सॉफ्टली, पहला नशा, एकदम आराम से जा रहा है। So, वो अच्छा लगा मुझे। एक बीट ब्रेक का सेक्शन किया आपने बीच में, बहुत न्यू लगा, बहुत अलग लगा मुझे। So, मुझे लगता है वेस्ट से लेकर आपका नेक से लेकर वेस्ट तक का जो कनेक्शन है ना, साधारण इंसान का कनेक्शन नहीं है, बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा है। तो कनेक्शन को बनाए रखना, सबके दिलों में कनेक्शन बनाओगे आप एक दिन। यस सर, यस। सो आई थिंक यू फॉर दिस परफॉर्मेंस, स्पेशली फॉर दैट ब्रेक 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 स्पेशली फॉर दैट ब्रेक, आप बैठी ना इसके लिए ऐसा हो रहा है, स्पेशली फॉर दैट ब्रेक बीट सेक्शन, यू आर क्या बात है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या है, उनको कौन पसंद है, फिर भी ट्राई। मास्टर गीता, आप बताइए आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। एक अपना स्टाइल बनाना और उस स्टाइल में माहिर होना एक एक बहुत बड़ी बात होती है। दिस इज योर स्टाइल,
ओके, एंड इसी को बरकरार रखना, इसमें इनोवेशन लाओगे जितना उतना लोगों को पसंद आएगा देखना. एंड आई थिंक यू हैव डन अ फैबुलस जॉब टुडे. आई थिंक स्टुपेंडो फैंटेबुलसली फैंटास्टिकल बहुत छोटा हो जाता है ऐसे डांसर्स के लिए, बिकॉज यू नो दिस इज फ्रॉम द हार्ट एंड द सोल. स्टुपेंडो बनता है, लेकिन मैं आपके लिए खड़े रह के तालियां बजाऊंगी. आई थिंक यू आर अ फैबुलस टैलेंट. मास्टर श्रुति, आप क्या कहेंगे मनन के परफॉर्मेंस के बारे में? मनन, जब आप ऑडिशन में आए थे तभी आपने ऐसा ही कोई गाना चुना था, ये डांस टोन. हाँ, एंड व्हेन ही स्टार्टेड डांसिंग गीता माँ, ही वॉज यूनिक. तो आई थिंक बहुत दिनों के बाद वो स्टाइल मनन आप वापस लेके आए हो, एंड योर यूनिकनेस हैज वर्कड एंड विल वर्क फॉर यू मनन. सो फॉर योर टैलेंट दिस परफॉर्मेंस फॉर मी इज डेफिनेटली अ जुम्बारी जीरी जीरी डांस अटैक परफॉर्मेंस. गॉड ब्लेस यू राजा. थैंक यू सो मच मास्टर्स. आलिया, आप बताइए, आपको मनन का परफॉर्मेंस कैसा लगा? स्वैग, पहले तो आई लव दिस थिंग दैट यू गॉट गोइंग, स्वैग. बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, तो ऑब्वियसली आई मीन आई एम नो वन टू से हाउ गुड अ डांसर यू आर, क्योंकि आप है ही बहुत सुपर डुपर टिप फैंटेबुलस. बट जो जब मैंने देखा कि आप, जैसे कि मुदस्सर ने कहा कि आप एक्सप्रेशंस, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई फेल लाइक यू नो जैसे आप गोविंदा को देखते हो, ही इज डांसिंग, ही इज डूइंग ऑल द स्टेप्स, पर फेस पे जो एंजॉयमेंट है वो स्टेप्स में, यू नो इट जस्ट काइंड ऑफ ओवरपावर्स इट. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच आलिया एंड मनन, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. अब एक और माइंड ब्लोइंग काम कर लीजिए, एक वोट अपील हो जाए. जनता, आप मेरे को जिस तरीके से सपोर्ट करते आ रहे हैं, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते आइए, और प्लीज़ मुझे वोट करने के लिए डायल कीजिए टोल फ्री नंबर पर 1-800-833-6002 पर. और याद रखिएगा, इसमें 02 मेरा कोड है. थैंक यू. प्लीज़ जनता, मुझे वोट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सुपर, जोरदार ताला हो जाए मनन के लिए. माइंड ब्लोइंग, प्लीज टेक योर सीट. जोरदार ताला हो जाए. इंडिया, डांस इंडिया, डांस. पहले ऑडिशंस के अद्भुत 18 तक पहुंचे, फिर एलिमिनेट हुए, उसके बाद वाइल्ड कार्ड से धमाकेदार वापसी की, फिर हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट ऑफ द वीक बने, और अब ये है देश के टॉप 5 डांसिंग स्टार्स में से एक. तो अब देश का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार बनने की तरफ बढ़ाने अपना अगला कदम, पेश है श्रुति के शानदार से पुणे के बीट किंग सुमेद. दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे. Fire.
दिल में घर के दिल में घर के दर के दर कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे पानी के पानी सा कभी मैच किया रे Fantastic, Sumedh. बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था आपका, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था. आप जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर मुदस्सर से. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड, और सारे जितने भी तुमने मूवमेंट्स किए, कॉम्बिनेशंस किए, रोबोटिक्स के आपके स्पेशली पोर्शंस बहुत अच्छे थे, आपके हिट्स बहुत अच्छे हैं. एक शोल्डर कोलैप्स किया, उसके बाद बॉडी आपकी नीचे जाते ही गई जाते ही, इतना क्लास और प्रिसाइज था वो. सो ऑल दिस थिंग इज, आई मीन, मैं समझ सकता हूँ कि जैसा जैसा डीआईडी में आपका एक एक हफ्ते का परफॉर्मेंस बढ़ते गया है, आपकी ये रोबोटिक्स ये सब चीज़ें इम्प्रूव होते गई, उसको और इम्प्रूव करते रहिए. मुझे लगता है कि आप सच में, आई कैन सी यू इन द फिनाले. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सुमित, व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज आपका जब प्योर फॉर्म आता है ना, आप अपने एलिमेंट में होते हो. बिकॉज आपका ये स्टाइल है, आपकी ये स्ट्रेंथ है. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस रोबोटिक परफॉर्मेंस कि हमारा ये जो रोबोट है ना, एक्सप्रेस भी करता है. नॉर्मली रोबोट्स डजंट एक्सप्रेस, बट आई थिंक आई लव द वे यू एक्सप्रेस इन योर रोबोटिक स्टाइल. सो आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल गो अलोंग इंशाल्लाह. थैंक यू सर, थैंक यू. मासिकीता, आपको बीट किंग कहा जाता है, और इस परफॉर्मेंस को आपने एब्सोल्युटली जस्टिफाई किया उस नाम के साथ. बहुत अच्छी तरह आपने परफॉर्मेंस दिया, स्पेशली जब सीडी अंदर चली गई. That section after that you took off, dude, and you were outstanding after that. Very, very well done. Thank you. Beat king. आपने dubstep perform किया है सुमित earlier performances में. इस बार आप पहली बार robotic style dance form लेके आए हो. Beat king जैसा एक नाम जब दे देते हैं तभी दैट प्रेशर इज ऑल्सो देयर ऑन द परफॉर्मर के कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग. तो वो जो इंट्रिकेसी परफॉर्मेंस में होती है कि एवरी बॉडी आइसोलेशन कैच इट ऑन बीट, मतलब बीट आपके नस 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 में घुस चुका है. एक लेवल जो आपने मेंटेन किया है अच्छे से, हम्बल होके यू आर ग्रोइंग 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 सुमित. फॉर मी दिस परफॉर्मेंस, दिस न्यू अटेम्प्ट डेफिनेटली इज a jumbari jumbari. Thank you so much, man. Thank you. मैं देख रहा था कि आलिया भी काफी enjoy कर रही थी, तो आप बताइए आपको सुमित का ये performance कैसा लगा? I was shocked. मैं सच कहूँ तो I felt like a robot was in front of me. एक beat भी आपने miss नहीं किया. You were just और expressions were just. I mean, I'm just shocked. मैंने ऐसा I've never thought that I would actually see something like this live. टीवी पे सब कुछ देखते हैं पर लाइव आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, सो इट्स फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच आलिया. सुमित, अब वक्त है, जल्दी से जनता को अपना टोल फ्री नंबर बताइए और उनसे वोट्स ले लीजिए. प्लीज वोट कीजिए, मुझे बहुत आगे जाना है. मैं ऐसे ही परफॉर्म देता रहूंगा, ऐसे ही एंटरटेन करता रहूंगा. मुझे वोट करने के लिए डायल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800-833-6010 पर. इसमें 10 मेरा कोड है. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Sumit, for this lovely performance. अब आप जाके अपनी सीट ले सकते हैं. चलिए, आज के सारे परफॉर्मेंसेज हो चुके हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आलिया प्लीज मंच पर आ जाए. जोरदार ताला हो जाए आलिया के लिए. So Alia, thank you so much कि आप डांस के सबसे बड़े मंच पर आए. We really enjoyed it. I hope आपको भी उतना ही मजा आया होगा. Yes, thank you so much and thank you for having me, Dance India Dance. Thank you all the judges, Mudassar, Shruti, Geeta Di and of course Firoz. It was absolutely amazing and all the contestants, all the best to you guys. And I'm taking a souvenir. Talia, we came to everyone's side, from the DRD Parivar's side. For your film, it's a very good wish. All you. The very best, and I know you're going to rock it again. So thank all you. The very best. Thank you so much. Yeah, all the best. Hey.
डांसिंग स्टार को आपके वोटों की बहुत जरूरत है, तो आप लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करें और वोट करने के लिए कॉल करें इनके टोल फ्री नंबर पर। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर आपको मिलेगा SMS पर एक प्रोमो कोड। आप लॉग इन करें www.freecharge.com पर और इस प्रोमो कोड को वहां एंटर करें और 20 रुपए के मिनिमम रिचार्ज पर आपको मिलेगा 10 रुपए का टॉक टाइम बिल्कुल फ्री। यानी कि 20 रुपए में आपको मिलेगा 30 रुपए का टॉक टाइम। है ना फायदे की बात। आज के सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और अब वक्त है ये जानने का कि किसका परफॉर्मेंस था सबसे ज्यादा पैशनेट। अब क्योंकि आज ग्रैंड मास्टर यहाँ नहीं है तो मैं चाहूंगा कि गीता माँ ओहो ये फैसला आप करें। अच्छा ठीक है। सो मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक का खिताब मिलता है जिसका ध्यान यहाँ पर नहीं है और वो है स्वराली। कांग्रेचुलेशंस स्वराली, आप हैं इस हफ्ते की मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक और आपको मिलता है मारुति सुजुकी की तरफ से ये शानदार गिफ्ट। थैंक यू सो मच सोदा ताला हो जाए। तो आज हमारे टॉप 5 डांसिंग स्टार्स ने दिए डांस के सबसे बड़े मंच पर अपने सोलो परफॉर्मेंसेस और अब बहुत जल्द इन्हीं में से कोई एक बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार और वो कौन होगा इसका फैसला करेंगे आपके वोट। तो अपना प्यार और अपने वोट्स फेवरेट डांसिंग स्टार को देते रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते जहां होगा खूब धमाल और खूब कमाल क्योंकि हमारे साथ होंगे गुंडे और डांस इंडिया डांस के बेहद खास सितारे। टिल देन इंडिया कीप डांसिंग। Baby, baby.